हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होगे। मैं शोभित शाक्य नॉलेज अबाउट यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को मैना के बारे में कुछ रोचक जानकारी दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। मैना देखने में बहुत ही सुंदर और छोटा पक्षी है, जो अधिकतर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। ये पक्षी इंसान के आसपास रहना पसंद करते हैं और ये काले भूरे रंग के होते हैं। मैना की गर्दन काले रंग की होती है और चोंच नारंगी रंग की होती है। ये पक्षी अधिकतर गांव के मैदानों, तालाबों और खेतों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये पक्षी अपना घोंसला बनाती है, लेकिन इसके बावजूद दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडा देती है। ये अपना घोंसला मकान की छतों पर पेड़ों की खोखले में बनाते हैं। मैना जुलाई अगस्त महीनों में अंडे देती है और ये 4 से 5 अंडे देती है। इनको अंडे सेने में करीबन 13 से 15 दिन लग जाते हैं। ये पक्षी की आवाज बहुत ही सुंदर होती है और इनकी आंखों के आसपास का हिस्सा लाल रंग का होता है। इनकी लंबाई 20 से 24 सेंटीमीटर की होती है, जबकि इनका वजन 120 से 150 ग्राम तक होता है। पूरी दुनिया में इनकी केवल 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहाड़ी मैना, जो कि छत्तीसगढ़ और मेघालय राज्य का राज्य पक्षी है, इसकी मीठी बोली के कारण पालतू पक्षी के रूप में इसको पाला भी जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय मैना की पीठ और शरीर का मुख्य रंग भूरा होता है और इनका पेट सफेद रंग का होता है। मैना की छाती और सिर का रंग काला होता है और चोंच पीले रंग की होती है। मैना सर्वाहारी पक्षी है, जो कि 20 कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। मैना के कुछ प्राकृतिक दुश्मन भी हैं, जैसे कि बिल्ली, कुत्ते और सांप, जो कि मैना पक्षी का शिकार करते हैं। दूर से देखने पर नर और मादा एक समान ही लगते हैं। अधिकतर मैना पक्षी समूह में रहना पसंद करते हैं और ये करीब 20 से 40 होते हैं। इनका औसतन जीवन काल लगभग 4 से 5 साल तक होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।